तो दोस्तों आज हो गई है 10 फरवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, लेकिन सभी बड़ी खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मोदी राज में निष्पक्ष पत्रकारिता करना अब एक गुनाह बन गया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। वेबसाइट न्यूज क्लिक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी। ईडी ने न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापा मारा है। दफ्तर के अलावा न्यूज क्लिक के निदेशकों और शेयर धारकों के घरों पर भी छापा मारा गया है। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आप लोगों को बताते चलें अभिसार शर्मा न्यूज क्लिक के लिए शो करते हैं। न्यूज क्लिक वेबसाइट सरकार के कामकाज को लेकर के लगातार सवाल उठाती है। माना जा रहा है कि इसी के चलते कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की गई है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई को लेकर के इन दिनों लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकार मनदीप पुनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसका भी सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से विरोध हुआ था। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने पुनिया को जमानत दे दी थी, लेकिन अब यहां पर देख सकते हैं एक और मामला सामने निकल के आया है। मोदी सरकार से जो भी सवाल करेगा उसके खिलाफ यहां पर करी जा रही है कार्रवाई। वेबसाइट न्यूज क्लिक के दफ्तर पर ईडी ने की है छापेमारी। तो वहीं दोस्तों इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान को लेकर के राकेश टिकैत का तंज। कहा, हम आंदोलन करते हैं, जुमलेबाजी तो नहीं करते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब इसके खिलाफ महापंचायत का भी आयोजन लगातार किया जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गाँव में यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। महापंचायत को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी संबोधित किया है। अपने संबोधन में राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर कानून बनाए, नहीं तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो वहीं राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि हम आंदोलन करते हैं लेकिन जुमलेबाजी तो नहीं करते हैं। MSP पर कानून बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। तीनों ही काले कानून खत्म नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2011 में कहा था कि देश में MSP पर कानून बनेगा, यह जुमलेबाजी थी और जो आज साबित हो रही है। यह यहां पर देख सकते हैं कि महापंचायत में जबरदस्त तरीके से राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को लिया है निशाने पर। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, आंदोलनकारी किसानों को पूर्ण समर्थन। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उतरे मैदान में, सहारनपुर से अभियान की है शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, किसानों के आंदोलन को राजनीतिक ताकत देने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किसानों के साथ सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी मुहिम में भाग लेने का फैसला किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इसी फैसले के तहत आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयोजित किसानों की महापंचायत में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। उल्लेखनीय है कि यह पहला अवसर है जब कांग्रेस का कोई नेता किसानों की महापंचायत का हिस्सा होगा। तो वहीं प्रियंका गांधी ही नहीं, राहुल गांधी ने भी राजस्थान में किसानों को समर्थन देने के लिए 11 और 12 फरवरी को राजस्थान जाने का फैसला किया है, जहां पहले से ही सचिन पायलट किसानों को गांव-गांव जाकर के लामबंद करने में जुटे हैं। देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी अब खुलकर के सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुकी है। मोदी सरकार को घेरना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और अब यहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उतर आए हैं मैदान में, अब शामिल होंगे महापंचायत में। तो वहीं इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, चीन पर वीके सिंह के बयान से राहुल गांधी के तेवर तीखे। कहा, उन्हें बर्खास्त ना करना जवानों का अपमान है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की बर्खास्तगी की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि वीके सिंह को कैबिनेट से नहीं हटाना भारतीय जवान का अपमान है, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए था। आप लोगों को बताते चले, जनरल वीके सिंह ने कहा था कि भारत ने चीन की तुलना में ज्यादा बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC का उल्लंघन किया है।
चीन ने इस बयान को पकड़ लिया। इसके बाद चीन कह रहा है कि ये भारत की तरफ से अनजाने में मानी गई गलती है। राहुल गांधी ने जनरल वीके सिंह के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी का एक मंत्री चीन को भारत के खिलाफ केस खड़ा करने में मदद क्यों कर रहा है, आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी ने एक न्यूज रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें उनके पद से अब तक हटा दिया जाना चाहिए था। उनको नहीं हटाने का मतलब है कि हर भारतीय जवान का अपमान किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी सरकार के मंत्री वीके सिंह ने यहां पर दिया है ऐसा बयान जिसके बाद राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। चीन ने भी इस बयान को यहां पर पकड़ लिया है और लगातार मोदी सरकार अब चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। जीएसटी के खिलाफ 26 जनवरी को व्यापारियों का भारत बंद, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने भी बंद का किया है समर्थन, करेगा चक्का जाम। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, जीएसटी के खिलाफ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने 26 जनवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। आप लोगों को बताते चले, नागपुर में कैट के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन के आगाज के दौरान ही 26 जनवरी को भारत बंद का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कैट देश में कई व्यापार संघों की सर्वोच्च संस्था है। जो सम्मेलन नागपुर में शुरू हुआ है उसमें 200 से भी अधिक व्यापारी प्रमुखों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया है और यहां पर यह बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं कैट के इस भारत बंद को ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने 26 जनवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने की घोषणा की है। इस दिन पूरे देश में कई बड़े हाईवे बंद हो सकते हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, मोदी सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। अब 26 फरवरी को होगा भारत बंद। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार एनडीए में मची खलबली, नीतीश कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी में जबरदस्त बगावत, विधायक बोले दागियों को बनाया गया है मंत्री, अपर कास्ट को किया गया है नजरअंदाज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का काफी जद्दोजहद के बाद यहां पर विस्तार हुआ है। राज्यपाल फागू चौहान ने 17 मंत्रियों को शपथ दिलवाई है जिनमें बीजेपी कोटे से 9 विधायक तो जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार के कुछ देर के बाद ही नेताओं की नाराजगी भी सामने निकल के आई है। एक बीजेपी विधायक ने तो यहां तक कह दिया है कि मंत्रिमंडल में साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को पीछे करके दागियों को मंत्री बनाया गया है। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने हिंदी न्यूज चैनल NDTV से बात करते हुए कहा है कि इस बार के मंत्रिमंडल में साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को पीछे करके दागियों को मंत्री बनाया गया है। उन्होंने चेताया है कि इस तरह के विस्तार से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा। तो वहीं बीजेपी विधायक ने अपर कास्ट को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर के भी नाराजगी जाहिर की है और अपनी ही पार्टी को लिया है निशाने पर। देख सकते हैं कि नीतीश कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी में जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है, विधायक ने खोल दिया है मोर्चा। तो वहीं अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, ट्रैक्टर परेड हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई की गिरफ्तारी पर लगा दी है रोक। आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की हिंसा के दौरान ट्वीट कर कथित तौर पर लोगों को भ्रमित करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी में सांसद शशि थरूर एवं अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हिंसा के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत पर ट्वीट करने के मामले में कांग्रेस के नेता शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट से उनको मिली है राहत। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आंदोलनकारी किसानों को आतंकवादी कहना, कंगना को पड़ा है भारी, दर्ज हुई है आपराधिक शिकायत। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अपने विवादित बयानों के कारण कंगना रनौत की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ कर्नाटक के बेलगवी में पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज हुई है। उन पर आरोप है कि बीते दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को आतंकवादी कहा था। आप लोगों को बताते चलें, कंगना रनौत के खिलाफ ये शिकायत बेलगवी के वकील हर्षवर्धन पाटिल ने दर्ज करवाई है। वकील ने आरोप लगाया है कि कंगना रनौत देश की जनता को उन किसानों के खिलाफ भड़का रही है जो वास्तव में किसी वजह से आंदोलन कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDVDV के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।
और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।